नमस्कार, स्वागत है आप सबका। जो पिछली क्लास में हमने देख रहे थे एक कहानी, यह भी मनु भंडारी का लिखा हुआ गद्य विभाग से चौथा लेसन, वही हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज ये लेसन समाप्त होने की कतार में है, देखेंगे समाप्त कर पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पे एक घटना के बारे में बोला मनु भंडारी ने कि किस तरह से पिता के कोप से वो बच गई थी, कि किस तरह से प्रिंसिपल के द्वारा भेजे गए लेटर को लेकर कि पिताजी नाराज हो गए हैं, और वहां पे जाने के बाद वहां पे हुई घटना को सुनाते हुए कि पिताजी किस तरह से गर्व महसूस करते हैं कि मनु भंडारी कॉलेज में एक तरह से पूरी तरह से नायक बन गई है, लीडर बन गई है, सभी विद्यार्थिनी सभी छात्राएं उसकी बातें मानते हैं और उसके ही इशारे पर सब कुछ चल रहा है। तो ये देखकर वो प्रसन्न होते हैं, और यहाँ पे जिस बात से वो डर कर गए थे कि इस लड़की से मुझे डांट पड़ेगी, इस लड़की से मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी वगैरह वगैरह, वो सब कुछ उल्टा होकर यहाँ पे कुछ बदल जाता है। अब दूसरी घटना यहाँ पे सुना रही है मनु भंडारी की, एक घटना और है। आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था, सभी कॉलेज स्कूलों दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। देखिए, आजाद हिंद फौज किसकी बनाई गई है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा खड़ी की गई एक फौज है जो विदेशी हुकूमतों के खिलाफ एक संगठित होकर युद्ध करने वाला एक फौज है। उसमें एक कुछ केस दाखिल किया गया है उसके खिलाफ, और उस खिलाफ किए गए केस की वजह से पूरे देश में सभी कॉलेज स्कूल दुकान यहाँ तक कि सभी जगहों पर हड़ताल घोषित किया गया है, उनको बंद करने की एक आदेश दी गई है। जो जो नहीं कर रहे थे छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। जो लोग इससे वाकिफ नहीं है, इससे परिचित नहीं है, जो लोग नहीं बंद किए थे दुकानों को, उनको बंद करवाने की जिम्मेदारी कुछ छात्रों की एक टोली ली हुई थी, जो जाकर उनको समझा बुझाकर दुकानें बंद करवाकर हड़ताल में भाग लेने के लिए मजबूर कर रहे थे। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग, अजमेर का जो पूरी तरह से सभी कॉलेजों का जो विद्यार्थी समूह है, वो शाम को चौपड़ यानी कि मुख्य बाजार का चौराहा, मुख्य बाजार एक तरह से समझ लीजिए, चार रास्ते हैं, ये बीच का हिस्सा जहां पे एक तरह से कह सकते हैं कि हर रास्ते से आने वाले लोग जमा हो सकते हैं, इतना बड़ा भीड़ वहां पे जमा होने वाला था, इकट्ठा हुआ। और फिर हुई भाषणबाजी, क्या हुआ वहां पे भाषणबाजी हुई। इस बीच पिताजी के एक निहार दख्यानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। दख्यानुसी यानी कि बेकार आदमी कह सकते हैं यहाँ पे, जिनको कोई मतलब ही नहीं है, उसने क्या किया, इनके मनु भंडारी के पिताजी के कान में कुछ ऐसी बातें भर दी जिसकी वजह से पिताजी नाराज हो गए। और अरे उस मनु की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ है। अरे भंडारी जी आपकी बेटी की तो मत मारी गई है, लेकिन आपको क्या हुआ, आपने कैसे उसको परमिशन दे दी यहाँ पे आने के लिए, यहाँ पे जाने के लिए, मतलब भीड़ में जाने के लिए। ठीक है आपने लड़कियों को आजादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती है, उड़दन मचाती फिर रही है। आपने लड़कियों को आजादी दी, पढ़ने लिखने की आजादी दी, लेकिन यहाँ पे देखिए आपकी आजादी का दुरुपयोग करते हुए मनु ने क्या किया, लड़कों के साथ घूम फिर कर हड़तालें करवा रही है, उड़दन मतलब गड़बड़ कर रही है, एक तरह से सारे जगह पे कुछ हंगामा मचा रही है, हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा नहीं देता है सब कुछ। उसका विचार देखिए मनु भंडारी के पिता को कुछ गलत गलत बातें सुनाकर भड़का रहा है कि हमारे घर आपके घर में ऐसी लड़कियों का नहीं होना चाहिए, ऐसे लड़कियां ऐसे खुलेआम घूमना अच्छी बात नहीं है, ऐसे शोभा नहीं देता, कोई मान मर्यादा इज्जत आबरू का ख्याल है भी या नहीं, आपको है या नहीं। उनके पिता के कानों में इतना बात भर दिया। अब पिताजी नाराज हो गए, वे तो आग लगाकर चले गए, और पिताजी सारे दिन
बकबकते रहे, क्या करने लगे, एक तरह से नाराज होकर बकने लगे। क्या बकने लगे, बस अब यही रह गया था कि लोग घर आकर कुतूहल करने लगे मनु के बारे में, जो जो से कहने लगे कि अभी यही रह गया था कि बाहर के लोग आकर मुझे बातें सुना कर गए, जाने लगे कि लड़की ने ऐसा काम कर दिया। बंद करो अब उस मनु का घर से निकलना, बाहर निकलना बंद करो, क्योंकि नाराज हो गए। बाहर से कोई आकर आपके बच्चों के बारे में कोई कंप्लेंट बोलेगा तो आप नाराज होंगे या नहीं, लेकिन यहाँ पे नाराज होने से ज्यादा क्यों कंप्लेंट आ रहे हैं, उसने क्या किया है, वो समझकर अगर नाराज होंगे तो अच्छी रहेगी, लेकिन यहाँ पे बिना कुछ भी जाने किसी के कहने पर यहाँ पे नाराज हो गए मन्नू भंडारी के पिताजी। ये सबसे बेखबर रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे हुए थे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे वो सब कुछ भूल कर, उसे तो कुछ पता ही नहीं है मनु भंडारी को कि घर में क्या हुआ है, वो सबसे अनजान होकर रात को जब लौटी सबसे सब खत्म करके और वहां पे घर पे आकर देखती है तो क्या कि उनके पिताजी के बेहती अंतरंग के मित्र, अभिन्न मित्र यानी कि बहुत ही जान पहचान होने वाली, बहुत ही उनको पसंदीदा होने वाले मित्र और अजमेर के सबसे बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाने वाले, सम्मानित व्यक्ति माने जाने वाले डॉक्टर अंबालाल वहां पर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्म जोशी से स्वागत किया कि क्या कहा उन्होंने, स्वागत करते हुए उठकर एकदम से जोश के साथ स्वागत करते हुए कहा, आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। चौपड़ पर कहां पे, जहां पे पहले भीड़ जमी हुई थी और कुछ भाषण होने वाले थे, उसमें मन्नू ने भी भाषण किया है, मन्नू भंडारी ने भी भाषण किया हुआ है, और उस भाषण को सुनने के बाद तुरंत अंबालाल जी कहां पे, उनके पिता के पास आए, कहां पे, भंडारी जी के पास आए और उनके पास आकर बैठ गए। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, मुझे गर्व है तुम पर, मुझे गर्व है तुम पर, क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी, घर से निकले अब निकला भी करो। देखिए वो मनु भंडारी पर गर्व करते हुए कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी पुत्री पर गर्व है, तुम क्या घर में ही बैठे रहते हो, घर से बाहर निकलो, देखो तुम्हारी बेटी को कितने बड़े बड़े काम कर रही है। कहके बोलते हैं, यू हैव मिस्ड समथिंग, तुमने कुछ खो दिया, तुमने कुछ खो दिया, तुम्हारा सौभाग्य मिट गया कि तुमने बेटी को ऐसा कारनामा करते हुए नहीं देखा। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे, वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। एक तरह से पिताजी जो नाराज थे पहले, वो एकदम से बदलकर क्या हुआ, गर्व में बदलता गया, संतोष में बदलता गया और वो नाराजगी मिटते जाने लगी। और वो देखिए, फितर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैं राहत की सांस ली। देखिए जैसे ही वो अंदर गई, सब निपटा कर अंदर जाने के बाद जब वहां से पता चला कि दोपहर में क्या घटना हुई थी, तो उस बात को सुनकर मनु भंडारी सांस में सांस लिया, क्योंकि अगर वो दोपहर में ही वापस आ जाती तो शायद पिताजी के द्वारा उनको डांट पड़ती, बहुत सारा सुनना पड़ता, लेकिन वो रात के दोपहर के बदले रात में आई है इसलिए वो बच गई। तो यहाँ पे दो बार पिताजी के गुस्से से बचने के कारण अब मन्नू भंडारी संभल कर चलने लगी। यहाँ पे मन्नू भंडारी के दो व्यक्तित्व देखिए, एक कॉलेज का नजारा, जो कॉलेज में उसने अपने आप को एक महान व्यक्ति की तरह दर्शाया, और दूसरी तरफ है ये सड़क पर जुलूस के साथ मिलकर जो भाषणबाजी करने की कलाकारी में दूसरे के जरिए से एक तारीफ करवाने के लायक बनकर अपने पिताजी को संतुष्ट करना, एक मन्नू भंडारी का एक अलग ही चेहरा था। और यहाँ पे प्रश्न आ रहा है कुछ, किसने किससे कहा कहके, यू यहाँ पे आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, ये किसने कहा कहके पूछा गया है। बहुत से लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ठीक से पढ़ते नहीं है। ये वाक्य डॉक्टर अंबालाल ने मन्नू से कहा था, डॉक्टर अंबालाल ने मन्नू से कहा था।
और आगे और एक बात है, यू मिस्ड समथिंग, ये बात भी डॉक्टर अंबालाल ने मन्नू भंडारी के पिताजी से कहा था। यहाँ पे बहुत से बातें किसने कही किससे कही, इसमें आप लोग कुछ गलत राय बना लेते हैं। ठीक से पढ़िए, ध्यान देकर पढ़िए, तभी आपको ये सॉल्व करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बचा लिया है कल के अध्याय के लिए, कल ये पाठ समाप्त हो जाएगा। तो कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।